2 मिनट वेट कर लीजिए, कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है। ठीक है 2 मिनट वेट कर लेते हैं। बच्चे वो करके देख लिया तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोग्राम। हाँ बोलो बोलो सर, जो वो आप बोल रहे थे ना कोमा का, चेक कर लेना कोमा आएगा या नहीं, हाँ तो हाँ उसमें हाँ कोमा हाँ नहीं हाँ है सर, वो हाँ तो उसमें चेक कर कोमा लिया ना। नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया बच्चे मानव। यस सर। ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अब हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं ताकि इनपुट आउटपुट समझा पाए। हम 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस आप एग्जीक्यूट भी कर लोगे। अच्छा किसको आता है आईडीएलई सॉफ्टवेयर, किसने इंस्टॉल कर रखा है अपने पास 3.7 वर्जन? नेट पे फ्री होगा बताओ सर मेरे पास सर। बच्चे। एक बार ये ना लिंक शेयर कर देना सारे बच्चों के साथ, कर दोगे हाँ या ना? वो ऑनलाइन ही मिल जाता है, आई थिंक सबके पास होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बार किया था पूरी क्लास ने पाइथन के लिए एक बार। कोई बात नहीं बच्चे एक बार ही शेयर कर देना ताकि, और एक प्रोग्राम अपने लेवल पे एक मीटिंग कर लेना जिसमें स्टार्ट कर लेना कि एक प्रोग्राम कैसे रन करता है, बस ये तो कर सकते हो ना। यस सर। यस सर। चलो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक फंक्शंस कुछ हम यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं? देखो बच्चे एक आपने प्लस ऑपरेटर बोला था, क्या प्लस ऑपरेटर? ठीक है अर्थमेटिक फंक्शंस हम कैसे यूज करते हैं? देखो प्लस और वैसे क्या करता है, अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू टू बी इक्वल्स टू थ्री, कुछ कुछ आपके जो वो होंगे ना ये कहता है पाइथन के वर्जन, अगर उसमें लिखा जाएगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी तो ऐसा भी आंसर दे सकता है सी इक्वल्स टू 23। दैट मीन्स इट इट कंकैटिनेट, ये एक स्ट्रिंग ले लिया, ये उसने दूसरा स्ट्रिंग ले लिया और उसने कंकैटिनेट कर दिया। आप ट्राई करना जब भी प्लस ऑपरेटर यूज करना, अगर आपको दो वैल्यूज के साथ करना है तो पहले जैसे अगर ए इक्वल्स टू हम आप लिख देना इंट टू का मतलब क्या होगा, द वैल्यू इज कन्वर्टेड टू इंटीजर टाइप। बी इक्वल्स टू इंट थ्री लिखा, द वैल्यू बी इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू इंटीजर टाइप। सी इक्वल्स टू अब लिखोगे आप ए प्लस बी तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी सी की वैल्यू, यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट सी तो द वैल्यू सी विल बी प्रिंटेड एज 7। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। बच्चे किसमें है बोलो। चलो अब एक ऑपरेटर होता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी आपको जय कैसे यूज करना है, ए इक्वल्स टू इंट टू लिखा और बी इक्वल्स टू इंट थ्री लिखा, तो ए सी इक्वल्स टू ए माइनस बी कर दो आप इंटीजर इंटीजर से और प्रिंट सी कर दो तो आउटपुट विल बी बोलो -1। ठीक है अब एक ऑपरेटर होता है स्टार ऑपरेटर। स्टार ऑपरेटर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। स्टार ऑपरेटर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगर ए इक्वल्स टू इंट टू लिखोगे और बी इक्वल्स टू इंट थ्री लिखोगे तब जाके आप हमेशा इंटीजर ही यूज करना, ध्यान रखना। अगर नहीं यूज करोगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग ले लेगा और आपका आउटपुट गलत आएगा, फिर दिक्कत आएगी। जैसे सी इक्वल्स टू ए स्टार बी लिखा और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सी तो व्हाट विल बी प्रिंटेड, सी इक्वल्स टू 2 इंटू 3। ये बात समझ आ गई? अगर बच्चे देखो अगर जैसे अगर ए इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज कर लो ए बी सी और बी इक्वल्स टू इंट टू लिख देता हूँ सपोज कर लो, और मैं लिखता हूँ सी इक्वल्स टू ए बी सी सॉरी ए स्टार टू, सी इक्वल्स टू ए स्टार टू तो व्हाट विल आई गेट, ए जो अगर मैं प्रिंट करूंगा सी को तो सी विल बी प्रिंटेड एज ए बी सी ये प्रिंट हो जाएगा। बात समझ आ गई? अगर स्ट्रिंग का केस होता तो इट विल बी रिपीटेड 2 टाइम, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखते हैं तो इट विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स। कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी को? पल्लवी कोई डाउट है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास आता है ये डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा जल्दी बताओ बच्चे,
डिवाइड करेगा, ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू इंट फाइव है और b इक्वल्स टू, हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन देगा, चलो क्वेश्चन देगा, देख लेते हैं, b इक्वल्स टू अगर हमने लिखा टू है तो व्हाट विल बी द आंसर, टू बताओ, टू आएगा, टू टू आएगा, और परसेंट ऑपरेटर क्या देगा, हाँ ये अगर c इक्वल्स टू अगर यहाँ पे इंट टू लिखा हुआ है और a डिवाइडेड टू लिखा है तो c क्या देगा हमारा, टू आ जाएगा, और अगर मैं d इक्वल्स टू a परसेंट b लिखता हूँ तो परसेंट से क्या आ जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये रिमाइंडर देता है और ये डिविजन ऑपरेटर, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा एक ऑपरेटर और होता है इसमें स्टार स्टार, कोई बताएगा इसका मतलब, स्टार स्टार का मतलब आएगा, इसको रन करा के चेक नहीं आएगा बच्चे, इसको है ना रन करा के चेक करेंगे, वैसे मेरे हिसाब से 2.5 ही आना चाहिए, हाँ जी सर 2.5 ही आएगा, हाँ स्टार ये थोड़ा सा ना उसमें कंफ्यूजन आ जाता है, सी और पाइथन, सी में अगर होता तो 2 आता और पाइथन में 2.5, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, पावर सर अगर हमें इसको फ्लोट में ना लेके हमें सिर्फ इंटीजर में वैल्यू लेनी है तो हम c इज इक्वल टू इंट बी कर देंगे, बस इंट कर देना वो इंटीजर वैल्यू दे देगा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ओके सर, ओके सर, अगर मैं बोलता हूँ a इक्वल्स टू इंट 5, b इक्वल्स टू इंट 2 और c इक्वल्स टू a स्टार स्टार b, व्हाट इज द आंसर, कोई बताएगा बच्चे, 25 की पावर 2, अब अगर बच्चे मेरे को ये इस ऑपरेटर का क्या यूज होता है जल्दी बताओ, किसी को बताओ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो सर, ये फ्लोट में वैल्यू नहीं देता, ये प्रॉपर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर में वैल्यू देता, 5 डिवाइडेड डिवाइड बाय 2 द आंसर विल बी 2, यानी अगर मैं लिखता अगर c इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर क्या देता 3, समझ आ रही बात, बात समझ आई कि नहीं, 11 बाय 4 का 3 कैसे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझ आ गई बात, No, sir. समझ आ गई है बात, चलो अब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे उसको समझते हैं, बच्चे अब हम प्रोग्राम्स पे जाते हैं, इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम्स के ऊपर, इनपुट आईओ प्रोग्राम, मेरे साथ कौन डिस्कस करेगा बच्चे, कौन डिस्कस करेगा, नाम बोलो, यस सर मानव, कौन, नाम क्या है सर, मानव, मानव, मानव बच्चे हमें दो वेरिएबल्स को स्वैप करना है, स्वैप करना, ठीक है, यस सर, यूजिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या इनपुट कराना होगा हमें, वेरिएबल्स दो जिसको हमें स्वैप करना, ए और बी, जैसे लेट सपोज ए इक्वल्स टू 2 है, बी इक्वल्स टू 3 है, और ये मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, ए इक्वल्स टू 3 बी इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 3 बी इक्वल्स टू 2, कोई डाउट तो नहीं है, नो सर, चलो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे, हमने सपोज कर लो इंटीजर टाइप के इनपुट है, अभी हम देखते हैं प्रोग्राम लिखते हैं, ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, बात समझ आ गई, यस सर, जो भी इनपुट लेंगे वो किस टाइप में कन्वर्ट करना है हमें, इंटीजर टाइप में, दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस इंटीजर बिफोर इनपुट, एनी डाउट, नो सर, अगर b इक्वल्स टू इंट लेते हैं इनपुट लेते हैं, इनपुट बोलो, यस सर, बी बी इंटीजर इनपुट, बी भी हमने इनपुट ले लिया, ठीक है, अब मेरे को स्वैप करना है तो मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल, अगर कोई बच्चा सोचता है ऐसे तो हम उसके लिए पहले लिखते हैं a इक्वल्स
टू बी, बी इक्वल्स टू ए, बहुत बच्चों के दिमाग में आता है ऐसे क्यों नहीं, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए से क्यों नहीं हुआ। अगर राइट साइड देखते हैं तो ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 2 थी, तो ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 2, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू a करने का मतलब ये हो गया b इक्वल्स टू 2, ये बात समझ आ गई। yes, तो a और b जो है वो दोनों के दोनों 2 हैं। बेसिकली अगर इस a को, जैसे a इक्वल्स टू b किया, इस b को कहीं स्टोर कर लेना था हमें, तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पे c इक्वल्स टू, नहीं a को स्टोर करते, c इक्वल्स टू a, इसकी वैल्यू स्टोर होती, a के अंदर b डाल दिया और b इक्वल्स टू c कर देते, B equals to C कर देते। मतलब क्या होता, C equals to A का मतलब हम तीनों लिखते हैं A, B और C। पहली लाइन से हमारे को क्या मिला वो चीज देखते हैं। पहली लाइन इससे A की वैल्यू 2 थी, 3 थी, B की वैल्यू 2 थी, C की वैल्यू A, A कितना 3 हो गया। अब A equals to B, A equals to B का मतलब 2 हो गया और ये भी 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे B equal to C, B equal to C से क्या हुआ, C की वैल्यू क्या है 3, तो ये सी हो गया और ए की वैल्यू 2 और ये वैल्यू 3, तो आउटपुट इज 2.3। ये बात समझ आ गई, 3.2 का 2.3 हो गया, मैंने उल्टा ले लिया था, यहाँ पे 3.2 और ये 2.3, ये बात समझ आ गई। यस सर। चलो अब कौन बच्चा बोलेगा दूसरा प्रोग्राम, बोलो कौन बोलेगा, बच्चे कोई बोलो नहीं तो फायदा नहीं होगा। सर पल्लवी सर, एक्चुअली माय, हाँ बोल बोल सर, एक्चुअली माय इंटर सर इंटरनेट कनेक्शन इज सम टाइम अनस्टेबल, सो कोई बात नहीं, जितना हो सके बोलो, अगर बोल तो रहे हो एटलीस्ट, कोई और तो बच्चा बोल ही नहीं रहा। अगर हम स्वैप कर रहे हैं, स्वैप करना है दो नंबर्स को विदाउट यूजिंग अ टेंपरेरी वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना, तो कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, कैसे करेंगे सर, दैट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन ए प्लस बी, अब दोबारा से प्रोग्राम लिख लेते ना, ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, बच्चे प्रोग्राम हमेशा पूरा लिखो ताकि है ना उससे याद हो जाती चीजें, और बी इक्वल्स टू इंट इनपुट इनपुट ब्रैकेट्स कोलन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या करना, देखो बच्चे अगर हमने लिखा, आपने बोला ए इक्वल्स टू, हमने 3 ले लिया, बी इक्वल्स टू 2 ले लिया, अब बताओ क्या लिखूं, ए इक्वल्स टू सर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, चलो ए प्लस बी लिखा, देखते जाते हैं ए, यानी इस लाइन के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, सही है हाँ कि नहीं। यस सर। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है बोलो, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी 3, हाँ तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 और बी की वैल्यू क्या हो गई 3, कोई डाउट है, सही है ये समझ आ गया प्रोग्राम पूरा, बोलो पल्लवी समझ आ गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कौन बच्चा बोलेगा अब बोलो, बोलो बच्चे कोई बोले, मानव और पल्लवी के अलावा बच्चा आवाज आ रही है, यस सर सर एक्चुअली माय इंटरनेट कनेक्शन, पल्लवी अब तुम छोड़ दो और कोई और बच्चा बोलना चाहता है, बच्चा कोई बोलेगा तभी इंटरेस्ट आएगा, ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। इशिता है ना तुम्हारी क्लास में कोई, इशिता
बच्चे फिर मैं टॉपिक खत्म करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई बोलना चाहता है। कौन बोल रहा है? इशिका सर। अच्छा इशिका, इशिका बच्चे मेरे को कैलकुलेट करना है। सपोज कर लो मेरे को एक 3-digit नंबर है, उसका रिवर्स निकालना, रिवर्स ऑफ अ 3-digit नंबर, ये करना। कैसे करेंगे वो चीज देख लो, बताओ कैसे करें। यानी मेरा अगर एक नंबर है 1 = 120, तो रिवर्स जो है वो आउटपुट आना चाहिए 3-2-1। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा इशिका बच्चे बताओगे कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तो ए को इनपुट करा लूं मैं। हाँ जी सर। चलो इनपुट करा लिया, अब मेरे को बताओ ए को इनपुट हो गया, उसके बाद बोलो। इशिका सर आपकी आवाज मेरे पास बहुत डिलेड आ रही है। हेलो। अच्छा अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? हाँ सर, पर डिलेड आई है अभी। चलो कोई बात नहीं। इशिका अब बताओ मेरे को क्या करना चाहिए ए के बाद? अब मेरे को इंडिविजुअल डिजिट चाहिए, 1, 2, 3। इंडिविजुअल डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये बताओ। सर दूसरा इंटीजर लेंगे। चलो बी क्वेश्चन ले लिया, बोलो। क्या करूं इशिका? कोई बताएगा 1, 2, 3 परसेंट टेन क्या होगा? परसेंट टेन सर सर उसमें रिमाइंडर लेंगे ए का। हाँ बच्चे क्या बोल रहा था, कोई बीच में बोल रहा था बच्चा? सर इसमें सबसे पहले मॉड अगर हम लगा दें तो हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा, जैसे 1, 2, 3 है तो उसमें 3 आ जाएगा। 1, 2, 3 का परसेंट 10 ले लेना। एक मिनट बच्चा, हम लिख रहे हैं पहले, उसके बाद देख लेते हैं। ए परसेंट 10 कर देते हैं, तो बी की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ। सर 3 आ गई ना। वेरी गुड। अब मेरे को नंबर जो चाहिए वो 12 चाहिए, है ना? उस डिवाइड कर देंगे सर 10 से। ए इक्वल्स टू ए डिवाइड 10 करें कि ये लें? बताओ। डिवाइड करेंगे ना इससे हमें 12। बोलो बच्चे ये बोले, डिवाइड लिखो सिंपल। 123 इससे क्या आएगा? ये आएगा 12, और अगर डिवाइड करते हैं 1, 2, 3 डिवाइड 10 लिखते हैं तो आंसर विल बी 112.3। ये बात समझ आ रही है? ठीक है सर। ठीक है सही है। आप बताओ बच्चे क्या लिखूं? अब 12 से 2 चाहिए मुझे, 2 कैसे लेके आऊं? सर दोबारा वही करेंगे ना जैसे हमने ए के साथ कराया वैसे। बोलो बोलो। साथ कर देंगे बी के, ए इसके साथ परसेंट 10 सी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ए इक्वल्स टू ए डिवाइड डिवाइड 10 तो ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर। अब रिवर्स चाहिए आपको, यानी 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 10 से, 1 को ऐसी। आर इक्वल्स टू बी आर। हाँ बच्चे आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर आ रही है। एक मिनट बच्चे। बच्चे एक मिनट रुकेंगे, मेरा पेन चलना बंद हो गया। बच्चे एक सेकंड होल्ड करेंगे, शायद मेरा ना स्क्रीन का कनेक्शन पुअर हो रहा। हेलो आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बच्चे एक बार देखते हैं अभी। अच्छा आप लिखेंगे क्या? आर इक्वल्स टू बोल दो एक बारी, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। सर सबसे पहले जो हमने सबसे पहले नंबर निकाला था उसको
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सेकंड वाले को 10 से, फिर 1 से ऐड करके नंबर एंड में आउटपुट कर देंगे। एक 20 चार क्या लिखूं, 20 चार 100 सर 100 प्लस C चार 10 प्लस C, और हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट आर आर। कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं सही है। चलो अब ये हो गया हमारा रिवर्स ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर, हमने कैसे प्रिंट कराना है कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अच्छा अब एक और प्रोग्राम बोलना चाहता हूँ मैं, कौन बोलेगा मेरे साथ? बच्चे कोई नाम बोलो जो बोलेगा साथ में। यस सर मैं बोलता हूँ मानव। मानव नहीं, मानव तुम नहीं, कोई और बच्चा। अच्छा ऐसे रेगुलर सारे बच्चे नहीं बोलेंगे तो फायदा नहीं होता। okay. बोलो कौन बोलेगा बच्चे? सर मैं बोल लेता हूँ, सफल। नाम क्या है बच्चे? सफल, सफल पाली। हाँ सफल, नाम बोलो। सफल सर, सफल। ऐसे सफल बच्चे, अब मेरे को एक जल्दी से बताना, एक प्रोग्राम है कि मेरे पास करेंसी के 2470 रुपीस पड़े, मैं एटीएम जाता हूँ और मेरे पास एटीएम में 100 रुपी के नोट पड़े हैं, 50 रुपी के नोट पड़े हैं, 10 रुपी के नोट पड़े हैं, ठीक है? 2470 अमाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग 100 के कितने नोट्स, 50 के कितने नोट्स और 10 के कितने नोट्स निकलेंगे एटीएम से। तो मेरे को वो मशीन को कैसे पता लगेगा, काउंट कैसे करेगा, बताओ कैसे करना है? पहले तो इनपुट लेंगे 2470 के लिए कितने निकालने। देखो पहले एक डिस्कस कर लेते हैं, 2470 इसका ये कितना आएगा? 24 था, 2400 आ जाएगा, ये आपका 70 आ गया, यानी 70 अमाउंट जो होगा वो 50 से डिवाइड होगा, 70 1 20, तो यानी और फिर 20 आएगा, 20 आएगा, फिर 10 से होगा 2 20 0, जब तक अमाउंट जीरो ना हो जाए ये प्रोसेस करना। इसका मतलब ये हुआ आपका कि 24 तो आपके कौन से नोट्स निकलेंगे, 100 रुपी वाले, और 50 के कितने 1 और 10 के कितने 2। कोई डाउट? नो सर। अच्छा अब जल्दी से बता बच्चे मैं क्या इनपुट लूं, जल्दी बता। पहले वेरिएबल ए लेंगे, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, ए इक्वल टू इंट इनपुट, वेरी गुड। बोलो तो उसके बाद सर ए को मतलब बी एक इंटीजर लेंगे, बी मैं एग्जांपल यहां पे 2470 लिख देता हूं। हां बी इक्वल टू बोलो क्या लिखो? हां बोलो, बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 100, मतलब डबल डिवाइडेड बाय 100। डबल डिवीजन है कि सिंगल डिवीजन आएगी? डबल वाला सर, डबल फ्लोर, फ्लोर डिवीजन। चलो ए डिवाइड बाय 100। अब आप बताओ बी के अंदर, बी के अंदर वैल्यू क्या आई? बी के अंदर से 24 आ गया। बी के अंदर ये सिंपल बोलो, सोच के बोलो। यस सर 24। चलो ये बी की 24 तो आ गई, उसके बाद सर वो परसेंटेज ऑपरेटर भी लगाना है। अब मेरे को रिमाइंडर में ऐसे रिमाइंडर के लिए परसेंटेज ऑपरेटर लगाना है। परसेंट अगर कर दूं तो ए की वैल्यू जल्दी बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ बच्चे बोलो सर। ए इज बोलो, ए जो ए परसेंट एंटर लिखेंगे तो क्या आएगा? 70 आ जाएगा। 70 आ गया, वेरी गुड। अब ये 70 यहाँ पे पहुंच गए ना, अब जाना ही पर है। अब बताओ क्या करूं? C equals to बोलो क्या रखूं? C is equal to 70 divided by 50, तो उससे हमारे पास एक तो 2 आ जाएगा, यानी कि 50 के नोट्स कितने चाहिए? A A divided 50, C की वैल्यू 2 आ गई, वेरी गुड। अब उसके बाद A equals to मैं लिखता हूँ A percent 50, तो ए की वैल्यू आपके 20 आ गए, तो ए यहाँ पे पहुंच गया, सही है? उसके बाद क्या करना है?
उसके बाद क्या करना है, 20 डिवाइड बाय 10 करना सर. 20 डिवाइड डी इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल टू ए डिवाइड 20. तो डी की वैल्यू 2 आ गई. ऐसे 10 करेंगे ना शायद, 10 के नोट्स है. हां सॉरी 10 आएगा. ठीक है 10 आएगा, वो गलती थी मेरी. अब yes. उसके बाद आपको पता लगा ये 2 ये 2 10. और ये 20, यानी मेरी कहीं पे सी की वैल्यू गलत लिखी है ना, 1 आएगी. सही है? यस सर, 1 आई है. अब मेरे को तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है, बी सी और डी को. तो मैं क्या लिखूं बच्चे, प्रिंट मेरे को बताने भी है ना सर, डबल कोटेशन मार्क्स. एक मिनट, ऐसा करते हैं 100 रुपी नोट बताने ना हमें. यस सर. तो हम एक काम करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 100 रुपी नोट कोटेशन खत्म कॉमा सॉरी एक मिनट इक्वल टू करते हैं ना, इक्वल्स टू कॉमा, और यहाँ पे किस वेरिएबल, यहाँ पे बी आ जाएगा. बी आ जाएगा. फिर क्या लिखें जल्दी बताओ. इसके बाद 50 रुपीज नोट्स कोटेशन मार्क स्टार्ट करेंगे, 50 रुपीज नोट्स. हाँ कोटेशन बिल्कुल, नोट्स इक्वल टू कोटेशन खत्म इक्वल्स टू कॉमा कोटेशन. हाँ सी कॉमा सी. चलो चलो अब उसके बाद फिर कॉमा बोलो. फिर कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट. हाँ डी नहीं क्या कहते हैं अपना, 10 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू, चलो वो तो जो भी कोटेशन खत्म कॉमा डी एक कॉमा कॉमा कितना डी डी. ये बात समझ आ गई ना, प्रॉपरली आउटपुट आएगा. यस सर. बात समझ आ गई है, ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए कि हमने yes, कैसे इनपुट देना है और कैसे आउटपुट लेना है. यस सर समझ आ गए. चलो अब अगर मेरे को ये बताओ, चलो इसके बेसिस पे अब ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस होंगे वो कर सकते हैं कि नहीं. यस सर हो जाएंगे. बच्चे मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, एक असाइनमेंट. ठीक है सही है. ओके सर. यस सर. बच्चे मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा पूरी क्लास के साथ, तो डू कंप्लीट दैट असाइनमेंट. ठीक है बाय टुडे. मैं 5 क्वेश्चंस की असाइनमेंट शेयर करूंगा. क्लास का सीआर कौन है? यस सर. मानव मैं एक असाइनमेंट मेरे से ले लेना, आपके 5 बजे के बाद फ्री होते हो. ठीक है खाली एक 5 क्वेश्चन की असाइनमेंट ले लेना, एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स सबके स्क्रीनशॉट, एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम सबके स्क्रीनशॉट, एक गूगल ड्राइव का लिंक बनाना. ओके ठीक है. एक गूगल ड्राइव का लिंक जिसमें हर बच्चा रोल नंबर वाइज असाइनमेंट भेजेगा. यस सर. ठीक है वो भेजेगा, उसको मैं चेक करूंगा, डेली टू डेली अपडेट हो. सही है? ओके यस सर. सही है चलो. थैंक यू बच्चे.